है मेरा थंडर का D4। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तब जाके आपको मिलेगी पहली बार मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं आज की मेरा नया हेलमेट जो है स्टर्स का थंडर D4, और दिखाते हैं आपको क्या है इसमें अंदर। ठीक है, यह है थंडर का D4। आज मैं करने जा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग, आप लोग देखिए और देख के बताइएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया हेलमेट, इसको रखते हैं साइड में। ओके, ये आ गया थंडर का नया हेलमेट, ये हो गया थंडर का नया हेलमेट। देखिए कैसा लग रहा है, देखिए इसका वाइजर मिरर फिनिशिंग का है और इसका चिन कटर भी दिया हुआ है और इसका पैडिंग जो है बहुत सॉफ्ट है। इसका वेट है 1300 ग्राम। ठीक है, फोकस हो रहा है कि नहीं देखिए। ओके, इसका साइड भी देखिए, सामने का इस साइड का, ऊपर दो एयर वेंटिलेटर दिया हुआ है और आगे भी एक दो एयर वेंटिलेटर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, वाइजर भी देखिए, ये वाइजर है और इसका पीछे से गर्म हवा निकलता है। ठीक है, ये वाला देखिए ठीक से, और दोनों तरफ दिया हुआ है दो ठो एयर वेंटिलेशन जो सर का जो पसीना होता है उसको सोख लेगा। ठीक है, देखिए इसका स्टाइल, ये मैट कलर का है, रेड और ग्रे और ब्लैक। ठीक है, इसका प्राइस आया है 1895। ठीक है, 1895 देखिए। और मेरे को इस मिला है 1700 में मिला है, मैंने ऑफलाइन में खरीदा है लोकल दुकान से। ठीक है, इसके खूबी है इसमें चिन कटर दिया हुआ है जो कि 4-5 हज़ार का हेलमेट में आता है, लेकिन ये 1700 में मिला है, उसमें भी चिन कटर है, एक पॉजिटिव पॉइंट है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और इसका ये वाला पैडिंग भी बहुत अच्छा है और इसका जो बेल्ट दिया हुआ है खुद रिलीज है, ये ऐसे करने से तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, और इसका वेट मात्र 1300 ग्राम है, 1300 ग्राम। ठीक है, बहुत हल्का फुल्का है और इसका कलर है रेड ब्लैक ग्रे, इसमें लिखा है थंडर, ऊपर भी लिखा है थंडर, इधर स्टॉट्स लिखा हुआ है, सॉरी भाई इधर बोल दिया था थंडर, ये स्टॉट्स लिखा हुआ है, ऊपर थंडर लिखा हुआ है। ठीक है, और पीछे भी थंडर का लॉगिंग है, ये सामने भी है स्टॉट्स का, ये ISI सर्टिफाइड है और इसका क्या है, ये विंड वाइजर के लिए दोनों ऊपर भी है नीचे भी है आवाज आने के लिए, और ऊपर भी है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ है। पीछे इसका है निकलने के, गर्म हवा निकलने के। ठीक है, ओवरव्यू देखिए इसका और दिखाएगा आपको इसका सिनेमेटिक व्यू, सबके ऊपर जाके। ठीक है, ओके, थैंक यू।